हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आपके द्वारा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आज हम उसी क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है तो फिर क्या हम केपॉप आइडल नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में हमने देखा है कि सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक, कहीं पर भी आपका अकाउंट है, आप उधर वीडियोज़ डालते हैं, अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो कोई भी इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी वीडियोज़ और फोटोज़ डाल चुके हैं। क्या ये सही बात है या फिर नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि भाई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहिए हमें या नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए तो फिर कैसे रखना चाहिए उसको। ऐसी और भी बहुत सारी अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूँ। देखो गाइस, अब जो वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो सके। अभी हाल ही में जो जनरेशन चल रही है केपॉप की, वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है और फिफ्थ जनरेशन में चीज़ें बदल गई हैं। फिफ्थ जनरेशन में जो बड़ी जाइंट कंपनी है उनके कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं स्मॉल कंपनीज, और स्मॉल कंपनीज काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं इस टाइम केपॉप इंडस्ट्री के अंदर। पहले जो जाइंट कंपनियाँ थी जैसे कि SM हो गया, YG हो गई या फिर JYP हो गया या हाइबी लेबल का कोई लेबल हो गया, ये कंपनीज़ अपने आप को एक जाइंट की तरह रिप्रेजेंट करती थी और स्मॉल कंपनीज दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन अब जैसे फिफ्थ जनरेशन आई है तो चीज़ें बदल गई हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड जनरेशन की, तो इधर क्या हुआ करता था, यहाँ पर अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है या आप किसी भी जगह पर अपने फ़ोटोज़ या वीडियोस को डालते हैं तो फिर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, और लिमिटेड ही कंपनियाँ हुआ करती थी थर्ड जनरेशन में, तो ये सभी कंपनी अपनी मोनोपोली चलाती थी और अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है तो फिर आपको सिलेक्ट नहीं करती थी। इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजन्स होते थे क्यों ऐसा करती थी कंपनीज़, लेकिन एक रीज़न सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, वो था गाइस प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी करके ये कंपनीज अपने आइडल्स को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट बनाती थी। यहाँ पर ये प्लास्टिक सर्जरी वाला जो सच है, इसको छुपाने के लिए ये सिर्फ उन आर्टिस्ट को लिया करते थे जिनके कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ इंटरनेट पे नहीं हैं, और अगर इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होंगे, इनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं होंगे, तो जब प्लास्टिक सर्जरी होती है, जो फेस चेंज होता है, जिस तरह से और अट्रैक्टिव फेस बनता है, वो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये पहले से ही अट्रैक्टिव है या फिर प्लास्टिक सर्जरी के कराने के बाद अट्रैक्टिव हुए हैं। इसीलिए गाइस ये जो कंपनीज़ हैं ये कोशिश करती थी कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होने चाहिए ताकि लोग कंपेयर ना कर सकें ओल्ड फोटोज़ को न्यू फोटोज़ से, और किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो सके। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्थ जनरेशन और जो फिफ्थ जनरेशन केपॉप की है, अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है, इस जनरेशन में चीज़ें बदल गई हैं। कंपनीज़ अब प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा पाती, बिकॉज जो आइडल्स नहीं चाहते कि हम प्लास्टिक सर्जरी कराएं तो उन पर फोर्स नहीं कर सकती ये कंपनीज़, क्योंकि रूल्स आ गए हैं, कोरियन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे रूल्स आए हैं जो केपॉप आइडल्स के फेवर में हैं, और यहाँ पर स्मॉल कंपनीज़ का जो डोमिनेट होना, ये भी एक काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट डाला है इन बड़ी कंपनीज़ में, क्योंकि पहले जब कंपनीज़ किसी आइडल को बाहर कर देती थी सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट है, तो उसको मजबूरी में इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अगर किसी भी आइडल को बाहर कर दिया है ट्रेनिंग पीरियड में कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट है इसलिए हम उसको बाहर कर रहे हैं, तो स्मॉल कंपनीज़ के जो रास्ते हैं वो उसके लिए खुले रहते हैं, क्योंकि स्मॉल कंपनीज़ का एक ही टारगेट है, ये जितने भी पॉपुलर आर्टिस्ट हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो पॉपुलर हैं, जिनके फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, स्मॉल कंपनीज़ इनको हायर करती हैं, इनको ट्रेनिंग कराती हैं, इनको एक अच्छा केपॉप आइडल बनाती हैं। इनमें छोटी कंपनीज़ के ये फ़ायदे हो जाते हैं कि उनको पॉपुलरिटी जल्दी मिल जाती है, फ़ैन फॉलोइंग जल्दी मिल जाती है, और कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए, इस मार्केट को देखते हुए, बड़ी कंपनीज ने, जिनको हम जाइंट कंपनीज बोलते हैं, वो भी अब यही चाहते हैं कि उनको पॉपुलर आर्टिस्ट मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप YG कंपनी के जो नया गर्ल ग्रुप देखोगे बेबी मॉन्स्टर, उसके किसी भी आर्टिस्ट को आप उठा के देख लें, उसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो आर्टिस्ट ऑलरेडी पॉपुलर थे पहले से ही, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, और YG कंपनी ने उनको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया।
इसलिए सिर्फ इसलिए ताकि पॉपुलैरिटी मिल सके और उनको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आने वाला टाइम यही है गाइस, फिफ्थ जनरेशन यही है कि अगर आप फेमस हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं के पॉप आइडल बनने के। बाकी हमेशा ट्राई करते रहो कि जो स्मॉल कंपनीज़ हैं इधर तो आपको पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि स्मॉल कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं इस टाइम, तो स्मॉल कंपनीज़ में तो आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। और बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे JYP है, YG है, हाईबी लेवल की कोई कंपनी है, तो यहाँ पर भी आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा जो इंडिया के दो आइडल्स हैं आर्या श्रिया, दोनों ही गई स्मॉल कंपनीज़ में गई हैं, किसी बड़ी कंपनी के हिस्सा नहीं बनी। वो DR म्यूज़िक बहुत छोटी कंपनी थी, आज हर कोई जानता है इंडिया में, तो ऑफिशियली हर कोई जानता है। वहीं बात करें एक्सिन की तो शायद ये फर्स्ट ही ग्रुप है जो बना है, और एक्सिन को भी इंडिया में काफ़ी लोग जानते हैं। कहने का मतलब यही है कि गई स्मॉल कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं आज के टाइम में। तो आपको भी ये नहीं देखना है कि भाई स्मॉल कंपनीज़ है या बड़ी कंपनी है, हमें छोटी कंपनीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना बिकॉज़ हम उस कंपनी के बारे में नहीं जानते, या हम बड़ी कंपनी में ही जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ करोगे तो फिर आपका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेरा मानना तो ये है कि आपको स्मॉल कंपनीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और बड़ी कंपनीज़ में भी अपना लक आजमाना चाहिए। बड़ी कंपनीज़ में वो ज़्यादातर यही देखते हैं कि भाई आप पॉपुलर हो या नहीं हो, तभी वो आपका सिलेक्शन करेंगे। बट अगर आप एक स्मॉल कंपनी में जाएंगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑडिशन आपका ईजी हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कंपटीशन कम रहेगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको केपॉप इंडस्ट्री में इजीली एंटर करा सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छा कर रही है, और आने वाले टाइम में ऐसा होता है जो कंपनी बहुत पॉपुलर हो जाती है छोटी कंपनी, फिर उसको कोई बड़ी कंपनी खरीद लेती है। हाईबी लेबल में भी आपने देखा होगा बहुत सारे लेबल्स को खरीदा गया है, पहले काफ़ी छोटे थे ये, फिर बाद में धीरे धीरे हाईबी लेबल्स ने खरीद के आज इनको काफ़ी बड़ा बना दिया है। और वैसे भी गाइस केपॉप इंडस्ट्री तो ऐसी है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, छोटी हो या बड़ी हो वो मैटर नहीं करता, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग के बाद जब आपका डेब्यू होगा और डेब्यू सुपर हुआ, यानी आप फेमस हो गए, आपका ग्रुप फेमस हो गया, तो फिर कंपनी और आपका ग्रुप दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। एग्जांपल अगर हम 50-50 का लें तो 50-50 की जो कंपनी थी अट्रैक्ट, वो इतनी पॉपुलर हो गई हद से ज़्यादा, बाद में 50-50 ने खुद ही इस अट्रैक्ट कंपनी को छोड़ दिया, कंपनी का लॉस हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और अट्रैक्ट आज एक स्मॉल कंपनी ही बन के रह गई। लेकिन जो 50-50 ग्रुप है उसको एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है। अब 50-50 ग्रुप काम करेगी किसी बड़ी कंपनी के नीचे, लेकिन ये अपडेट नहीं आई कि किस कंपनी के नीचे वो काम करने वाली है। तो ओवरऑल हमें यही समझ में आता है कि गाइज आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ जाए वहाँ अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी क्वालिटी फोटोज और वीडियोज को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यही वो चांसेस हैं जो आपको फिफ्थ जनरेशन में ले जा सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में जरूर कमेंट करके बताना। और बेसिकली आपने ये चीज़ देखा होगा, जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं केपॉप का, तो आपसे वो लोग इंस्टाग्राम आईडी मांगते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मांगते हैं, यूट्यूब का लिंक मांगते हैं। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट है एक पॉपुलर आर्टिस्ट की, जो ऑलरेडी फेमस हो ऐसे आर्टिस्ट की, ताकि हमें इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, सिर्फ ट्रेनिंग कराएं और वो बस ग्रुप एकदम वायरल हो चल जाए। वही गाइज इसी तरह की मैं वीडियोस लाता रहता हूँ केपॉप से रिलेटेड। अगर आपको केपॉप के बारे में कुछ भी जानना है किसी भी तरह से, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। यहाँ पर मैं एक वीडियो और आपको सजेस्ट करूँगा जिसमें आप नेचुरल कैसे ग्लो करें, कैसे ब्यूटी आपके अंदर आए, नेचुरल ब्यूटी, उसके लिए आप एक बार ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने यही बताया हुआ है कि केपॉप का ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है। तो ये वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है। बाकी गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।